नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। खाखरा गुजराती ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसे हल्की फुल्की भूख में खाया जाता है। खाखरा अनेकों स्वाद में बनाए जाते हैं। सादा खाखरा, मसाला खाखरा, जीरा खाखरा, अजवाइन खाखरा, मेथी खाखरा, बाजरा खाखरा और भी अनेक तरह के खाखरा बनाए जाते हैं। आज हम मसाला खाखरा बनाएंगे, तो आइए खाखरा बनाना शुरू करते हैं। हमने एक कप गेहूं का आटा प्याले में ले लिया है, 150 ग्राम आटा है और 2 टेबल स्पून बेसन लिया है। ये भी हम आटे में मिक्स करेंगे डालकर, और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल देते हैं, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन और 1 पिंच हींग, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 हरी मिर्च हमने बीज हटा करके काट ली है, ये भी डाल देंगे। 1/2 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे और 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और हमने 1/2 कप दूध लिया है। दूध डालते हुए आटा गूंथेंगे। आटा हमें एकदम नरम नहीं रखना है और सख्त भी नहीं रखना है। जैसा हम चपाती के लिए आटा गूंथते हैं, उससे थोड़ा सा सख्त आटा हमें गूंथना है। ये हमने खाखरा के लिए सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया। आटे को हम ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, आटा सेट हो जाएगा। इसके बाद हम खाखरा बनाएंगे। और इतना आटा लगाने में हमने 1/2 कप दूध लिया था, 2 छोटे चम्मच पानी की हमें ज़रूरत पड़ी थी, वो हमने ले लिया। आटे को ढककर रख देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी तैयार हो गया है। तो हाथ पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, चिकना करेंगे और आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे। अब हम आटे को छोटी छोटी लोइयों में तोड़ लेते हैं। एक लोई उठा लेंगे और बाकी लोई हम ढक कर के रख लेंगे ताकि हमारा आटा सूखे ना, और खाखरा बनाना शुरू करते हैं। तो लोई को हम अच्छे तरीके से मसलते हुए गोल कर लेंगे, इस तरीके से पेड़ा जैसा बना लेंगे और इसे चकले पर रखेंगे और बेलेंगे। इधर हम अपना तवा भी गर्म करने रख देते हैं। खाखरा हमें बहुत पतला बेलना है। इसको हम सूखे आटे में लपेटेंगे और पतला बेलेंगे। जैसे हमारा खाखरा फिर से अगर चकले से चिपकने लगता है, तो फिर से हम इसे सूखे आटे में लपेटेंगे। एक्स्ट्रा आटा हम झड़ा देंगे और एकदम पतला खाखरा बेलेंगे। ये खाखरा हमने बेलकर तैयार कर लिया। इसे हम सिकने के लिए तवे पर डालेंगे। तवा हमारा गरम है, बहुत ज़्यादा गरम तवा नहीं होना चाहिए और मीडियम आग होनी चाहिए। तो खाखरा को हम तवे पर डाल देते हैं और जब तक हमारा ये खाखरा सिकता है, हम दूसरा खाखरा बेलकर इसी तरीके से तैयार करेंगे। खाखरा नीचे से हल्का सा सिक गया है, ऊपर से हमें डार्क होता दिख रहा है, थोड़े से बबल्स भी आ रहे हैं, तो हम इसे पलट देंगे। खाखरा दूसरी ओर से भी थोड़ा सा सिक गया है, हम इसे पलट देते हैं। और खाखरा को कोई भी साफ सूती कपड़ा ले लें, उसे दबा दबा कर मीडियम आग पर एकदम अच्छा क्रिस्प और दोनों ओर अच्छी ब्राउन चित्ती आने तक सेकेंगे। खाखरा दोनों ओर अच्छा ब्राउन चित्ती वाला सिककर तैयार हो गया है। इसे हम उतार कर रख लेते हैं प्लेट पर और सारे खाखरा इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। ये खाखरा हमने बिना तेल के बनाए हैं। खाखरा को हम तेल लगा करके भी बनाते हैं। तो हम खाखरा के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और इसे चारों ओर एक जैसा फैला देते हैं। खाखरा को बिल्कुल उसी तरीके से दबा दबा करके धीमी आग पर एकदम क्रिस्प होने तक सेकना है। तो दबाने के लिए
वैसे तो लकड़ी का टूल आता है, उससे दबा दबा करके सेकते हैं, लेकिन हम इस खाकरा को कपड़े से नहीं कटोरी से दबा करके सेकेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तेल है। अगर कपड़े से सेकेंगे तो तेल कपड़े के ऊपर चला जाएगा। ये हमने सारे खाकरे बनाकर तैयार कर लिए, और एक खाकरा सेकने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हमें ये बहुत धीमी गैस पर एकदम क्रिस्प पापड़ जैसा बिल्कुल बनाकर तैयार करना होता है। और इतने आटे से हमने 10 खाकरा बनाकर तैयार किए हैं। खाकरा बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छे खाकरा बने हैं, एकदम क्रिस्प और पापड़ जैसे खाकरा है। इन्हें बनाना बहुत आसान है, लेकिन सेकते समय ध्यान रखना है, आग बहुत धीमी होनी चाहिए और खाकरा पतला बेला हुआ होना चाहिए, तभी वो अच्छा क्रिस्प फाफड़ा बनकर तैयार होगा। खाकरा को कभी भी हल्की फुल्की भूख में स्नैक्स के रूप में खाया जा सकता है। खाकरा को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी डब्बे में भरकर रख लीजिए और 7-8 दिन तक खाते रहिए। आप ये खाकरा बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।